बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया भर के बड़े बड़े नाम, बड़े प्लेयर इसमें विल स्मीट 2000 से ऊपर रन स्ट्राइक रेट देखिए 150, यही चाहिए होगा। माय मिनट्स कई सारे मैचेस में बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी मोहम्मद वसीम ने, आज वो ओपन कर रहे हैं। बॉल नंबर वन, मैच नंबर टू, शमीरा उनके सामने, मोहम्मद वसीम अच्छी गेंद सही लेंथ, ये शॉट अच्छा है, ये बैकफुट पे पंच किया, क्या ये मैच नंबर दो का पहला चौका होगा? हो गया, बढ़िया शुरुआत, कोशिश जरूर करते हैं। ओ क्या कैच पकड़ा है सैम बिलिंग्स ने, ये विकेट कीपिंग भी करते हैं इसलिए हवा में गोता लगा कर ये कैच पकड़ा है। गेंद तेजी से जा रहा था उनसे दूर, सैम बिलिंग कीपर जरूर हैं लेकिन देखिए ये एक छोटा सा उन्होंने कदम लिया पहले और उसके बाद जो डाइव की, गेंद तकरीबन उनकी बॉडी के पीछे था जब उन्होंने दबोचा। हटके थोड़ा रूम बनाया और मिड ऑफ के ऊपर से बहुत ही बढ़िया छक्का वसीम के बल्ले से, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, यूएई के लोकल है, पिछले सीजन भी कमाल की बल्लेबाजी की थी कुछ, लेकिन इस बार थोड़ा रूम बनाया और बड़े प्यार से देखे मिड ऑफ के ऊपर से छह रन। दूसरा डीपी वर्ल्ड जब भी छक्का लगेगा डीपी वर्ल्ड एक क्रिकेटिंग किट डोनेट करेगी और ये दूसरा छक्का लगता है कि जड़ दिया यहाँ पर मोहम्मद वसीम ने और पिछले साल की याद दिला दी, स्पिनर्स के विरुद्ध शानदार बल्लेबाजी हुई थी बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। बहुत जल्दी पिक कर ली थी गेंद मिड विकेट के ऊपर से, एक और बाउंड्री वहां पे, लीजिए एक और बड़ा शॉट, बातचीत चल रही है मेरी इनसे नीचे फ्लेचर से, एक और चक्का 50 अप भी हुआ इसके साथ साथ 54-1। इन पे स्ट्राइक करेंगे छक्का, लीजिए एक और बाय वसीम। अक्रम के बारे में सुना था, ये वसीम कौन सा है भाई? इस गेंदों में अपना नाम अपनी पहचान बरकरार रखते हुए मोहम्मद वसीम जिस तरीके से पिछले सीजन बल्लेबाजी की थी विस्फोटक बल्लेबाजी, इस सीजन भी उसी तरीके की बल्लेबाजी पाएंगे। ये लीजिए गैप पे शॉट 4 रन के लिए बाहर, ये एक ओवर ने ही मसला सारा खराब कर दिया है। एक और बड़ा शॉट, क्या कैच होगा? बिल्कुल होगा, ये लीजिए राजा साहब ने, राजा की आएगी बारात और लेके जाएगा कि बैट्समैन, ये लीजिए ये 72 रनों की जो साझेदारी तोड़ी है वो दुबई कैपिटल्स को एक वो उम्मीद की वो किरण यहां से वो जगेगी। राजा को लेके आया वो स्लोअर बॉल, बैट के बिल्कुल निचले भाग में वो गेंद लगी क्योंकि थोड़ा गेंद से दूर हो गए थे, टाइम नहीं कर पाए और एक अच्छा कैच वहां पे रॉबिन पॉल द्वारा, बड़ी विकेट ये 84 पर दो विकेट गिरे जरूर हैं पर स्कोर भी काफी बड़ा हो चुका है 8 के बाद। इस बार एक और बार बल्ला चलाया मोहम्मद वसीम का, ये एक और छक्का है, हाँ ये एक और जबरदस्त छक्का। मोहम्मद वसीम का वही फॉर्म जो पिछले साल नजर आया था इस बार भी देखने को मिल रहा है। दो है 8.1 में, ओह कमाल का फ्लिक शॉट है। Because they are playing good. कहेंगे नहीं हम लोग। I love this little rivalry that's going on here. तो फिर 180, 190 बोल रहे हैं fans. Back to the comms, उनसे जानते हैं क्या होगा यहाँ का टोटल। यहाँ मोहम्मद वसीम ने अर्धशतक पूरा कर लिया है, शानदार बल्लेबाजी करीब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ये पारी खेली है मोहम्मद वसीम ने, वो भी मैदान में पहुंच चुके हैं मैच देखने के लिए। निकोलस पूरन का बल्ला चला और सीधा स्टैंड में, क्या शुरुआत हुई इस ओवर की, सिकंदर रजा की पहले ही गेंद पर सीधा स्टैंड में ये छक्का जड़ दिया है। जैसे मैंने कहा था कि अगर वो पूरन खेलते हैं अंत तक तो शायद 200। निकोलस पूरन ने और इस बार कैच इट का कॉल है, जेसन होल्डर नीचे आ रहा और कैच पकड़ लिया। मोहम्मद वसीम अच्छी पारी खेली पर इस बार उनको जाना होगा बस वापस कि सिकंदर रजा ने बहुत बड़ा विकेट ले लिया अपनी टीम के लिए। केवल
26 गेंदों पर 51 रन बनाए. उन्होंने देखिए मारना चाहते थे सीधा बॉलर के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छी लगी नहीं, ऊंची ज़्यादा गई, दूर नहीं गई. आसान सा कैच जैसन होल्डर को दे दिया, बहुत खुश है सिकंदर. 417 छक्के, उसके साथ साथ इस प्रकार के चौके भी शामिल है निकोलस पूरन के बल्ले से. ये एक और फैक्ट है. तो आपने छक्का मारा, काबिलियत चाहिए होती है, काबिलियत तो यहाँ पे रजा दिखा रहे हैं, जो सजा बन के माई एमिरेट्स के सामने लगातार विकेट ले रहे हैं, लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं. तीसरी सफलता दुबई कैपिटल्स के नाम, एक और झटका माई एमिरेट्स को, बड़ी विकेट यहाँ पूरन की. देखिए ये देखिए ऑफ स्पिनर, ये लीजिए, वाह कमाल की बॉलिंग है भाई, कमाल का सियाणा स्पिनर है भाई इस गेम का. अच्छा शॉट, बड़ा शॉट, कैच होगा, बिल्कुल होगा, एमआई की मुसीबतों में और इजाफा. जाल ने आए लेकिन पहली सफलता अपना नाम लेके गए. शॉट में कोई खराबी नहीं थी लेकिन एलिवेशन उतना बढ़िया था नहीं. होल्ड जो, ये अपने आप में एक लड़ाई है, जीतेगा कौन, ये अपने आप एक बैटल है और जीता जेसन होल्डर ने. अपने ही पुराने टीममेट के आगे कारगर साबित हुए और पहली ही गेम पे पवेलियन का रास्ता दिखाया डीजे ब्रावो को. या ये विकेट देखिए, बिल्कुल विकेटों के दरमियान लेंथ बॉल और गॉट हिम ऑन द क्रीज, इसे कहते हैं ना, पकड़ लिया क्रीज के ऊपर ही. ये भी बड़े तगड़े क्रिकेटर हैं, ये भी विकेट टेकिंग है T20 में. कोशिश तो की है लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को शायद बीट नहीं कर पाएंगे. जेसन होल्डर एक बार फिर से सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को. 15 गेंदें खेली हुसैन ने और कहीं पर भी नहीं लगा कि ये बड़ा शॉट लगा सकेंगे या इवन रोटेट कर सकेंगे स्ट्राइक. तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि माय एमिरेट्स के लिए ये बेहतर हुआ है कि वो चलते बस है. बड़ी हिट का महत्व, टिम डेविड इसीलिए वो सिंगल मना किया था पिछले ओवर की अंतिम गेंद पे और इस ओवर की पहली गेंद पे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी हिट चाहिए. 150 का आंकड़ा भी पूरा हुआ माय एमिरेट्स टिम डेविड और फेंक दिया उनके पाले में, उनके जोन में. उनको मौका मिल गया कि गेंद के नीचे घुस सकें और उस लेंथ को यूज कर सकें. डीप देखिए यहाँ पर क्रीज के अंदर और कद गालिबन इनका 40 में घुस के खड़े हैं. नहीं टाइम किया, नहीं टाइम किया, अच्छी वापसी दुश्मन तो छमीरा. दो बड़ी हिट्स खाने के बाद बिल्कुल वही गेंद डाली जिसकी जिक्र वकार यूनुस कर रहे थे. ये तेज किया हुआ गेंद था और पूरा आगे फेंका हुआ था, ये ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ. इसका फायदा ये होता है कि इवन बैट्समैन अगर बहुत बड़ी भी हिट लगाना चाहेगा तो वो जो उनको उछाल चाहिए, जो उनको हाइट चाहिए, वो नहीं मिलती. और हाइट यहाँ जेसन होल्डर ने इस्तेमाल किया अपनी हाइट. अंतिम गेंद जहूर सामने, स्लोअर बॉल और एक रन चुरा लिया. दो बड़ी हिट्स जरूर आई इस ओवर में टिम डेविड के बल्ले से लेकिन अंत में दुश्मन छमीरा ने आउट किया. अच्छी वापसी 158, ये एक फाइटिंग टोटल रहेगा. बेलिंग्स को कैच किए वो तारीफ कर रहे थे, 160 रन चाहिए तो भाई कैपिटल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए. पहले 6 ओवर महत्वपूर्ण होंगे, चेस में आएगा मजा. जल्द लौटते हैं चेस के साथ. शुएब पहली गेंद थोड़ी बहुत स्विंग मूवमेंट. जी हाँ, 200 का विकेट था जो वो बना नहीं सके. आजकल के दौर में सहवाग होते तो ये करते, नहीं ये नहीं करते हैं, कैच आसान सा नहीं देते हैं. और हमने थोड़ा सा खाया होगा. ओहो हो, ऊंची बहुत गई है और जी हाँ 6 रन छक्के के साथ ओवर की समाप्ति. वर्ल्ड बिगेस्ट सिक्स पर ये बिगेस्ट मोमेंट हो सकता है इस मैच का. बारी किनारा, मोटा बारी किनारा, ट्रेंट बोल्ट इसी के लिए लगाया गया है और ये काम कर दिया है ट्रेंट बोल्ट ने. ये देखिए
सेम पोजीशन देखिए, वॉबली थोड़ी सी उनको खोल दिया, सामने हो गए, बल्ला खुल गया, यही इनकी कमजोरी है। और बाहर निकलता हुआ किनारा, आओ जो कटोरिया डलवाई है वो कहीं, ओह बेहतरीन बेहतरीन जोरदार प्रहार किया फ्रेजर ने चौके के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 21 पर 1। अच्छा शॉट, ये संपर्क काफी अच्छा है, कहां जाएगा ये, सीधा स्टैंड में। और इस फॉर्मेट में ये शॉट बहुत देखने को मिलता है स्पिनरों के खिलाफ, अगले ओवर का इंतजार करें, विकेट ना गंवाएं, विकेट बहुत जरूरी है। देखिए छोटी गेंद की थी, खराब गेंद थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और चौका, चौके के साथ ओवर की समाप्ति 4 के बाद 37 पर 1। स्पैन के बाद केकेआर की तरफ गया तो बड़ा ख्याल रखा, लीजिए एक और शॉट, चौका। ये फ्रेजर मुझे स्टोरी नहीं सुनाने देंगे, ये अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो तो शाहरुख खान ने मुझे लेकिन गैप बहुत बड़े मौजूद हैं, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया जाए, थोड़ी सी जगह दी जाए और फिर घुमा दिया जाए बल्ला, या 4 रन के लिए। और एक और खूबसूरत शॉट, बहुत ही उमदा शॉट, टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, ब्रावो थे मिड ऑफ पे जो, हालांकि वो बिल्कुल दायरे के ऊपर लाइन पर खड़े थे, उनके पास कोई वक्त नहीं था इस गेंद को रोकने का। पिन करना है गेंद तो आपको थोड़ा सा आहिस्ता गेंद करना पड़ेगा, इस तरह तो कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह तो गेंद आपको बार बार क्राउड से ही लाना पड़ेगा अगर इस लेंथ पर आप बॉल करेंगे। इसकी गहराई का इस्तेमाल किया, बहुत शॉर्ट, बहुत शॉर्ट बॉल था, विकेट चाहिए, स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद, प्रेशर रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर से भी हटा के रखा हुआ है। कैच इट की आवाज जरूर, और टिम डेविड थर्ड एम्पायर गौर जरूर फरमाएंगे, लेकिन क्या है लंबे कद का खूबसूरती से इस्तेमाल इन्होंने किया है। First point of contact within the field of play. Touch the rope. Rod, boundary six. 6 रन वहां पे। खुद क्रिकेट खेलते थे, खुद प्लेयर बन नहीं पाए तो इसलिए टीम खरीद ली, टीम ही खरीद ली उन्होंने, क्योंकि खुद नहीं खेल पाए तो इसलिए टीम खरीद ली। अब टीम के साथ रहते हैं, मीटिंगों में बैठते हैं, बोलते कुछ नहीं है। इस 2 रन के साथ अर्शद तक पूरा हुआ फ्रेजर का। बल्ला बोला नहीं है, इनका बल्ला गर्जा है। अर्धशतकीय पारी फ्रेजर की, केवल 21 गेंदों में अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली। आंख बंद करके बस बल्ला जोर से घुमाओ, अगर लग गई तो चौका है, छक्का है, कवर्स के ऊपर। बहुत ही मुश्किल शॉट होता है लेकिन इतनी आसानी से खेला, और इस छक्के के साथ 100 रन भी पूरे किए, रिटायर हो गए। जबरदस्त शॉट, शानदार शॉट, सोचा समझा हुआ ये शॉट था, ये तोहफा था, लेकिन बेहतरीन तरीके से कबूल करके अपनी टीम को शतक के पार लगाया, यानी कि जीत के और करीब ले जाते हुए गुरबाज। 3 रन बनाए, यही है मेरी उम्मीद जो जल्दी मैच खत्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे शॉट भी चाहिए हैं, कभी कभी किनारा भी आपको रन दे जाता है। और इस चौके के साथ अर्धशतक पूरा किया अपना गुरबाज ने, केवल 26 गेंदों में। दोनों ही बल्लेबाज ने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट में बल्लेबाज है, 225 का स्ट्राइक रेट है। फिलहाल उसकी बात में करेंगे, फिलहाल आप इस शॉट को देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि इस शॉट में ताकत थी, शॉट में आत्मविश्वास था। 33वां छक्का और दूसरा ही दिन हुआ है अभी, ये देखिए पैर खोला और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। जब आप बड़ा छक्का मारते हैं तो आप, ये मैच का जो रुख है दुबई कैपिटल्स की तरफ है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, ये साझेदारी इस मैच को दूर लेके जा रही थी, लेकिन शायद ये वो पल जिसपे वापसी की है भाई एमिरेट्स की पारी। कोशिश तो यही कर रहे थे कि जल्दी से खत्म करें, बड़ा शॉट लगाया, छक्का एक और, लेकिन शायद ठीक से लगी नहीं बल्ले पर, एक कैच दे बैठे कोरी एंडरसन को। 75 रन बनाकर इस बार अंदर जाकर ये शॉट खेला है, और सीधा पॉइंट लेग के ऊपर से छक्का, गजब की पारी, वो अभी भी बरकरार है यहाँ पर गुरबाज द्वारा, छक्का। गति का इस्तेमाल और सही समय पर इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिला गुरबाज के इस शॉट से। आपने मैच खत्म करके आना,
फिर से इस बार बल्ला चला पर इस बार विकेट गिरेगा। मैच को खत्म करने की जल्दबाजी में ये गलती कर बैठे यहाँ पर अमुल्ला गुरबाज, ड्रैग कर लिया इस बॉल को, अच्छा कैच वहां पर पकड़कर। ये थोड़ा सा गेंद उनसे दूर होता जा रहा था लेकिन उनकी जो रनिंग की टाइमिंग और गेंद को दबोचने की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट। और गुरबाज जिन्होंने एक बहुत ही उमदा बारी 81 रन की बाएं एमरेट से बनाए, उसके बाद वापसी सिकंदर रजा द्वारा जो गेंदबाजी का स्पेल और वाइड यानी कि यह मुकाबला दुबई कैपिटल्स ने अपने नाम कर लिया। डाउन द लेग साइड डेविड वार्नर का पहला मुकाबला बतौर कप्तान इस फ्रेंचाइज के लिए, चाहे बल्लेबाज आज जिस तरीके से वो जो स्किल सेट रखते हैं डेविड वार्नर, उनका बल्ला नहीं बोला लेकिन कप्तानी कमाल की योगदान महत्वपूर्ण रहा और किसी भी कप्तान के लिए वो महत्वपूर्ण रहता है कि आप पहला मुकाबला जीते। लेकिन Can you move on to front on, please? There's no bat or pad involved. Ready to go back on field to Rod. Rod, you can stay with your not out decision. Well, edge ki wo jo lakeer hai, pushtikaran karti hui ki wide gain nahi thi, bat ko nahi lagi, thigh pad ko nahi lagi. Wide gain yani ki Dubai Capitals ne ye mukabla jeet liya. 7 victories, badi jeet.